नौटंकी है मैडम, सब नौटंकी है, सारा देश जानता है। ये तो अड़ानी अंबानी के दलाल है, उनके लिए काम कर रहे हैं, कहाँ मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, कहाँ अपने व्यापारी, सब जानने लगे हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम करके जीत कर आए हैं। अगर किसानों को अपने अधिकारों के लिए सड़क पे जो है मजबूर होकर आना पड़ रहा है, क्योंकि जिन्हें उन्हें चुनके संसद के अंदर भेजा था वो सरकारों में बैठ के किसानों की आवाज ना उठा के वो आज पूंजीपतियों की आवाज उठा रहा है। ये सब नौटंकी हो रहा है। इलेक्शन आ रहा है तो कम कर दो। खाने पीने की वस्तुओं पर GST लगा दिया गया मैडम, इससे घिनौना काम तो हो नहीं सकता। पूरा देश, पूरा सरकारी सेक्टर आज मोदी सरकार के खिलाफ मामला है। मोदी सरकार एक झूठी सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, इसको जाना होगा। जितना बेवकूफ ये किसान को समझते हैं, आज किसान उतना बेवकूफ नहीं है। आज किसान पढ़ा लिखा किसान है। हम यहाँ से इन्हें चेताने आए हैं कि आप अपनी वादे को भूल रहे हो, अन्यथा इस देश का नौजवान आपको आने वाले आम चुनाव में इस गद्दी से उतारने का कार्य करेगा। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग जगहों से यहां पे लोग आए हैं, अपनी मांगों के साथ आए हैं यहां पे लोग। और यहां पे आपको हम एक बार पोस्टर दिखा देते हैं, मजदूर किसान महापड़ाव, ये इनका पोस्टर है। इसी को लेके हम लोग इनसे बात करेंगे। सर, किसानों के लिए सरकार क्या कुछ काम नहीं कर रही है जो आप लोगों को आज यहाँ पे जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है, अपना आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन जितनी अपेक्षाएं, जिन अपेक्षाओं को लेके किसानों ने इनको सत्ता में भेजा था, उतना कार्य नहीं हुआ। उसको लेकर किसानों को अपने अधिकारों के लिए सड़क पे जो है मजबूर होकर आना पड़ रहा है, क्योंकि जिन्हें उन्हें चुनके संसद के अंदर भेजा था वो सरकारों में बैठ के किसानों की आवाज उठा के वो आज पूंजीपतियों की आवाज उठा रहे हैं। वो पूंजीपतियों की आवाज उठा, उनके साथ काम कर रही है क्या सरकार, जो किसानों के लिए काम नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, सरकार अगर पूंजीपतियों के साथ नहीं काम करती तो सरकार को आज देश के प्रधानमंत्री को जहां भी चुनाव आता है हर स्टेट में इतनी इतनी सभाएं नहीं करनी पड़ती। फिर उनका काम के आधार पर ही ये विश्वास होता कि हम काम के आधार पर ही सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना, मतलब मोदी सरकार कह रही है कि जो 2014 के बाद है उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम करा है, तो कामों को गिनाए क्या काम करें? हम नाकामियों को गिनवाते हैं क्या नाकामियां? देखिए, देश के अंदर कितना किसान आज जो है भुखमरी के हालात पर आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने आंकड़े बैन कर दिए जिससे ये आंकड़े जनसामान्य तक नहीं पहुंच सके। किसान की क्या दुर्दशा है? किसान के आप खाद का रेट तय करें। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो यूरिया की बोरी जो 250 रुपये की मिलती थी, आज उसका क्या रेट है? जो डाई की बोरी है वो कितने की है, उस टाइम कितने की थी? प्लस जो 50 किलो की बोरी होती थी वो 45 किलो की, 40 किलो की, हर तरीका से किसान की जेब पे डाका डाला जा रहा है। जो सब्सिडी कृषि संयंत्रों पे किसानों को मिलती थी वो सब्सिडी बंद हो गई है। जो सस्ती बिजली किसानों को मिलती थी वो सस्ती बिजली बंद हो गई है। तो किस तरीका से किसान का भला हो रहा है? आप एक रेशा निकाल लें कि किसान की फसल का मूल्य कितना बढ़ा है, क्या महंगाई उसी रेशे में बढ़ी है? अगर आप इन सब का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हर चीज की वृद्धि 10% सालाना है तो किसान की बामुश्किल 1% सालाना वृद्धि हुई है किसान की फसल की। किसान का तलहन दिलहन का क्या हालात है ये आप समझ सकते हैं। इन्होंने अपना एक दिमाग सेट कर लिया है कि किसानों को खेती से इस तरीका से हम कर देंगे कि वो मजदूर बनने को विवश हो जाए और हमको जो है खेती जो है ठेका खेती में देनी है। अपने उद्योगपति मित्रों को इन्होंने खेती देनी थी, एक प्रयास इन्होंने किया, क्योंकि किसान जागरूक हो गया। जितना बेवकूफ ये किसान को समझते हैं, आज किसान उतना बेवकूफ नहीं है। आज किसान पढ़ा लिखा किसान है। आज खेती में किसान के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टरी करके, जो इंजीनियरिंग करके, जो वकालत करके, जो इस तरीका के और भी बहुत तरीका के प्रोफेशनल कोर्स करके वो खेती में अपना समय खपा रहे हैं या खेती के साथ साथ अपना पेशा कर रहे हैं, तो उन्हें इतनी समझ है, वो इनकी स्थिति को, इनकी मानसिक स्थिति को समझ चुके जो इन्होंने ठेका खेती का प्रयास किया था। किसानों ने इस राज्य की राजधानी की सीमाएं 13 महीने तक सील करके मोदी सरकार को झुकाने का कार्य करा, और ये वही देश के प्रधानमंत्री है जो कहते थे जो मेरा निर्णय है मैं उसे वापस नहीं लूंगा। इन्होंने वो निर्णय भी वापस लिया और देश के किसानों से माफी भी मांगी।
तो आप लोग फिर से आए हैं, दोबारा एक बार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार मांग पूरा करेगी या नहीं करेगी? देखिए, हमारा बिल्कुल साफ एजेंडा है, हमने लोकतांत्रिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन्हें वोट देकर देश की सत्ता सौंपी और अपने अधिकारों को हल करने के लिए, अपने मुद्दों को हल करने के लिए, अपनी समस्या को हल करने के लिए देश की गद्दी पर बिठाया। अब इनके पास बमुश्किल कुछ महीनों का समय है। हम यहाँ से इन्हें चेताने आए हैं कि आप अपनी वादे को भूल रहे हो, उसे पूरा कर दें, अन्यथा इस देश का ये पीड़ित नौजवान, बुजुर्ग वर्ग, महिला वर्ग आपको आने वाले आम चुनाव में इस गद्दी से उतारने का कार्य करेगा, क्योंकि हमारा संविधान अगर किसी को चुनने का अधिकार देता है तो उसे गद्दी से उतारने का भी अधिकार देता है। अगर ये अभी भी नहीं चेते तो आने वाले 24 में इन्हें विपक्ष की भूमिका सौंपी। मतलब आपको लग रहा है इससे सरकार पर दबाव बन पाएगा? सरकार पर दबाव बनाने का कार्य हम कर रहे हैं, हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार कि आप संसद में हमारे मुद्दों को उठाओ। जो विपक्ष के लोग हैं उनसे भी हम सदन से लेकर और सड़क तक हम लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम हैं, हमारा अधिकार है, हम सड़क पर खुद लड़ाई लड़ेंगे, और सदन में जो विपक्ष के लोग हैं उनसे लगातार हम अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी सदन में और हमारे मुद्दों को उठाएं और सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करें। तो सर क्या कहेंगे आप इनकी बात से, सहमत हैं जो ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हम किसान के तौर पर हम यहाँ पर आए हैं, हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें बिल्कुल जायज़ मुद्दे हैं हमारे, जो भी चीज़ें हम किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा रखी जा रही हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों से सरकार भटक रही है, और इन चीज़ों पर इतना फोकस ना करते हुए तभी उसी चीज़ का नतीजा है कि आज की डेट में हम किसान या मजदूर जो भी लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं और हम आंदोलन के उसमें आ चुके हैं, मतलब हमें मजबूरन आंदोलन करने पड़ रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम बेसिकली दिल्ली से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा से आए हुए हैं हम, एज ए किसान यूनियन यहाँ पे आए हैं, जो हमारे मजदूर साथी हैं, किसान साथी हैं, उनके सपोर्ट में। तरीके से किसान बोल रहे हैं कि वो जितना काम करते हैं, जितने घंटे काम करा जाते हैं उस हिसाब से न्यूनतम आय नहीं मिलती है उनको, तो क्या ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो हमारे मजदूर साथी हैं कि उनको काम के जो 8 घंटे का जो हमारा दिन होता है उसमें तो 10 घंटे काम लिया जा रहा है और मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है। तो और बहुत सारे सवाल हैं जो मोदी जी सरकार ने कुछ ऐसे कानून पास कर दिए हैं कि हम उद्योगपतियों के खिलाफ, जो हमारे जो मजदूर तबका जिनके अंडर में काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी तबका है, उद्योगपति है, दुकानदार है या फैक्ट्री मालिक है, उसने मजदूर के अधिकार ही खत्म कर दिए कि वो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं सकता, उनका दमन कर दिया है कानूनों के द्वारा। आज हम हड़ताल नहीं कर सकते, आज फैक्ट्रियों में हड़ताल नहीं हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो इस सरकार ने पास किए हैं। पूरे देश के अंदर मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, निजीकरण जो हुआ है, जो ठेकेदारी प्रथा है जहाँ ठेकेदार की जो लेबर है उसमें इतना शोषण वो लोग कर रहे हैं जिसका कोई। ठेकेदारी प्रथा तो एक तरीके से सही है ना, मतलब टाइम से पैसा मिल जाता होगा, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं मिलता ना मैडम, यही तो आप गलतफहमी में है। सारा फायदा जो है वो जो एजेंसी है वो उठा रही है, उनको अगर मिनिमम वेजेस नहीं दिया जाता उसमें 3-4 हज़ार रुपये कम काट के दिए जाते हैं, और वो पैसा जो है बिचौलियों में बढ़ जाता है, जो उसको पैसा मिलना चाहिए उस तक पहुंचता नहीं है, साइन उसके पूरे कराए जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो जिसके ऊपर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, कोई उसके लिए लड़ नहीं रहा, हम वो लड़े कहाँ। आज मैंने कहा ठेकेदारी प्रथा ने सारा ख़त्म कर दिया, अगर वो लड़ता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो बेरोजगारी के इस आलम के अंदर और मजदूरों के खिलाफ जो कानून पास हुए उसके कारण मजदूरों का हर चौथरफा शोषण है, और तमाम हमारे सरकारी लोगों की जो वृद्धा पेंशन है वो ख़त्म कर दी गई। आज जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना जो जिंदगी गुजारता है वो वृद्धा पेंशन पे गुजारता है, लेकिन वो ख़त्म कर दी गई है। पूरा देश, पूरा सरकारी सेक्टर आज मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें वृद्धा पेंशन का सवाल है, उसमें और बहुत सारे सवाल हैं, और देखिए रेडी और तमाम तरह के बहुत सारे और लेबर यूनियंस हैं, रेडी पटरी वाले हैं जिनको काम का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 पास हो चुका है, हर आदमी को काम करने का अधिकार है,
अभी दिल्ली सरकार ने वो सर्वे कराया, उसके बावजूद उनको सर्टिफिकेट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हटा दिया जाता है। उनके हाथ अन्याय है। कह रहे हैं कि हमने योग्यता के आधार पर काम दिया है, मतलब 1,10,000 नौकरियां दी हैं, योग्यता के आधार पर दी हैं। सब कागजी है, सारा मामला कागजी है, टोटली कागजी मामला है। मोदी सरकार एक झूठी सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, इसको जाना होगा। लोगों ने संकल्प कर लिया है, महंगाई आसमान पर है। आज देखेंगे, अभी गैस का सिलेंडर 1100 रुपए है, पेट्रोल 110 रुपए पहुंच गया। आज पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा हैं, आप देखिए नेपाल और श्रीलंका हमसे तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं और 55 रुपए 60 रुपए बेचा जाता है, लेकिन हमारे देश के अंदर 110 रुपए पेट्रोल है या इसके आसपास है। और बहुत सारे सवाल हैं, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए कर दिया गया, अब वो कह रहे हैं कि हमने अब उसको घटा दिया है, अब तो कम कर दिया है ना 900 के आसपास हो गया। ये सब नौटंकी हो रहा है, इलेक्शन आ रहा है तो कम कर दो। खाने पीने की वस्तुओं पर GST लगा दिया गया मैडम, इससे घिनौना काम तो हो नहीं सकता कि खाने पीने का दूध पे आटे पे दाल पे चावल पे सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया है। वो टैक्स लेंगे तभी तो विकास में वो उसको। सरकारें जो 70 साल से जो सरकारें चली हैं, क्या उन्होंने सरकार ने नहीं चलाई? खाने पीने की वस्तुओं को तो छोड़ दो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा आदमी? तो मैं तो यही कहूंगा, ये जहर तक, ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, इसको जाना होगा। जबकि मैं तो यही कहूंगा, हर तबके के खिलाफ है, SC ST के खिलाफ है, व्यापारी भी आज परेशान है, प्रोडक्शन हमारी बंद हो गई, हम तो मार्केट बन के रह गए, बाहर से माल आता है उसको बेच रहे। जो बोलते हैं कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, हम खुद OBC हैं, तो मतलब ये सब गलत है? नौटंकी है मैडम, सब नौटंकी है, सारा देश जानता है। ये तो अड़ानी अंबानी के दलाल है, उनके लिए काम कर रहे हैं, कहाँ मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, कहाँ अपने व्यापारी, सब जानने लगे हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम करके जीत कर आए हैं, ये हिंदू मुस्लिम जीत कर आए हैं, राम मंदिर के सवाल पर जीता है। लोग अब ठगे गए ना राम मंदिर के सवाल पर, BJP वालों ने ठग लिया, उन्हें कुछ मिला नहीं। महिलाएं खिलाफ है, महिलाओं के साथ अत्याचार है पूरे देश के अंदर। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है, यहाँ पूरा देश जानता है। कपिल देव जो क्रिकेट के मसीहा हैं, मोदी जी ने उनको इनवाइट नहीं किया, मोदी जी आ रहे थे इसलिए उनको इनवाइट नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, क्रिकेट के मसीहा हैं वो लोग, इतना अपमान किया इन्होंने, और पनौती है मोदी जी इस देश की। आप भी मानते हैं कि वो पनौती है? देखिए अच्छे दिन का वादा करके आए थे ना, आज देखिए पूरा देश क्या कर। आप किसी से बात कर लीजिए, आप शुक्रिया। तो हमने इनसे बात करी, कह रहे हैं कि वो देश के लिए पनौती है, देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जो सभी तबके हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी सब चीजों को लेके, ये अपनी मांगों को लेके यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। अब देखते हैं सरकार इनकी कहाँ तक सुनती है। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता आवाज।